देश का पीएम कौन कौन बनेगा देश का पीएम? मोदी। अब देश का पीएम बता दीजिए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वजह बताओ डिटेल में। एक बता दीजिए कोई वजह, कोई अच्छी बात। वजह है बस। एक बता दीजिए। आपने इतना सोचकर बोला है कि आज दिमाग बड़ा देखा सोचा क्या चल रहा दिमाग में, कंफ्यूजिंग है कहीं? बता दीजिए। आपकी स्माइल, आपकी स्माइल कुछ कह रही है, कंफ्यूजिंग में है। राहुल गांधी आपको पता है मोदी ने अभी तक वो किया जो किसी ने नहीं किया, उसे क्या क्या वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या उसने इंटरव्यू खत्म कर दिया जो एसएससी थी, बैंक थी, खाली कलेक्टर का, इससे बड़ा काम क्या होगा अभी? जी बिल्कुल, हर आदमी दौड़ता था इंटरव्यू के लिए, सोच लिए, वो खत्म हो गया। खत्म। एक मैं अब जो इम्पोर्टेंट चीज बताई, इससे बड़ा क्या चाहिए? जी लोगों का कुछ का ये भी कहना है कि 70 साल आजादी को हुए हैं, कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए। नहीं नहीं मैंने ये सब बात नहीं आ रहा, मैंने आप मतलब मोदी ने क्या किया मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, अभी अभी दिल्ली में, अभी दिल्ली में एमपी का चुनाव है, आपका सपोर्ट किसको? बीजेपी को। आप पूछे क्यों? क्यों भाई बीजेपी अच्छे, जब जब हमने मोदी को बताया कैंडिडेट कोई भी हो उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, मतलब सीधा मोदी, अगर लीडरशिप अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। हां देश का पीएम नरेंद्र मोदी। अपना नाम बता दीजिए। अनिल। वजह कोई बता दीजिए। उन्होंने सारे काम करे अच्छे, जीएसटी लाया है, नोटबंदी करी है और काला पैसा बाहर निकाला है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दी, नुकसान हो गया लोगों की दुकानें। किसका नुकसान हुआ है? किसी का नुकसान नहीं हुआ है, सब अपने बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, नुकसान उनका हुआ है जिन्होंने काला धन छुपा रखा था। अच्छा अभी दिल्ली में चुनाव है एमपी का, आपका सपोर्ट किसको? एमपी का अभी एमपी का 12 मई को चुनाव है। अच्छा हाँ। मतलब किसका सपोर्ट है? सांसद का भी चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में 12 मई को। तीन पार्टियां मशक्कत कर रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट किसको? बीजेपी को। वजह? बीजेपी शुरू से ही बहुत अच्छा काम करते आई है, जो फैसले बीजेपी ने लिए कांग्रेस ने कभी नहीं लिए। फिर भी कैंडिडेट कोई भी हो आपके सामने, सांसद का कोई एक चुनाव कैंडिडेट, कैंडिडेट क्यों नहीं अच्छे होंगे? कैंडिडेट बीजेपी देख के खड़ा करती है। अच्छा ठीक है, अभी बीच में सुनने को आया कांग्रेस ने सपना चौधरी को ला रही है। ठीक हाँ। है तो अब जो सपना चौधरी डांस करती है, अब उन्हें राजनीति में रहेंगे, राजनीति का एक्सपीरियंस किसको होता है? आज की बात करूं तो आज सुनने में आ रहा है कि बीजेपी सपना चौधरी को ला रही है आज की। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी अभी बीच में सुन में आया था बीजेपी, वो बहुत पुरानी बात है जो तुम बता। अभी नहीं क्या बोले आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सपना चौधरी का जो बयान था ना, इन्होंने बोला कि सपना चौधरी को मतलब कांग्रेस की तरफ से आ रही है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही, सपना चौधरी ने खुद बयान दिया कि वो बहुत पुरानी बात है, वो खुद नरेंद्र मोदी की सपोर्टर है। आज की बात करें तो सपना चौधरी नरेंद्र मोदी की सपोर्टर। मेंबरशिप बता रहे थे जो न्यूज में दिखा रहे थे, वो तो मेंबरशिप उसने कांग्रेस की ले रखी है साहब, उसने फॉर्म भर रखा है, खुद बयान दिया उन्होंने। सपना चौधरी ने खुद बयान दिया कि वो जो कांग्रेस कह रही है कि मैं उनकी तरफ से लड़ रही हूँ, बहुत पुरानी बात है। नहीं मथुरा से जो सांसद के जो मेन खड़े हुए थे उसमें ये दिखाया था कि सपना चौधरी को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपना वो कुछ भी चल रही हो, वो जो भी ट्वीट करती है ट्विटर पे, वो हमेशा नरेंद्र मोदी के पक्ष में होते हैं, वो उनकी फैन। चलिए कुल मिला के देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूछने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। एक ही सवाल, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कोई वजह नरेंद्र मोदी जी उनके गट्स जैसा नेता इस अभी इंडिया में तो कोई है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई काबिल ही नहीं है, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, बहुत सारी पार्टियां रहने से मतलब नहीं है, हम नेता देखते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है जी, हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस देश को चला रहा है जी, उसके वजन में कितना पावर है जी, ठीक है, एक बात करने का भी एक लहजा होता है, कैसे हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टी ऐसा है, सबसे पहले भी देश चल रहा था 70 साल देश को आजाद हो गए, देश 70 साल चलने से मतलब नहीं है, हम अभी अपडेट में है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उस रेस से हमारा देश अगर आगे नहीं बढ़ेगा, हम 70 साल पीछे तो नहीं जा सकते। हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में अभी चुनाव है और तीन पार्टियां मूल रूप से मशक्कत कर रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, आपका सपोर्ट किसको? देखिए जहाँ तक लोकल जैसे कि यहाँ का दिल्ली का अगर चुनाव ले लें, ठीक है, दिल्ली के चुनाव और सेंट्रल के चुनाव में दोनों में फर्क होता है, फर्क होता है, और जो भी हम देश के पीएम के रूप में किसी को हम देखना चाहेंगे तो हम बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी को ही फिर से दोबारा देखना चाहेंगे। संसद का जो कैंडिडेट हो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई उसका उसका कारण है कि जो इसको चलाने वाला है अगर वो सही है
तो वो अगर कोई गलत भी है ना तो सही रास्ते पे आएगा। अगर हम भी है ना, हमारे में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है, अगर हमारे ऊपर कुछ गार्जियन है, कुछ अगर वो सही है, हम कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की। तो देश का पीएम नरेंद्र मोदी। थैंक यू। अच्छा कोई बात, एक ही सवाल आपसे, देश का पीएम कौन कौन बनेगा देश का पीएम? ऐसा जनता निर्णय देगी वैसा होगा। आपकी क्या राय है देश के लिए कौन बेहतर है? बेहतर तो जैसे आएगा, लोग भारत देश के निवासी हैं, हमें देश का भविष्य सोचना है, नई पीढ़ी है, आप लोग हैं, आप ही से देश चलता है, तो आपकी क्या मान्यता है, क्या सोच है आपकी? मोदी जी। मोदी जी, थैंक यू। सवाल, देश का पीएम कौन? मोदी। वजह? वजह वो अच्छा काम कर रहे हैं यार। कौन सा है? कोई एक काम है, कोई एक काम? राहुल गांधी के मुकाबले तो अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे नहीं है? नहीं अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है तो देश को कौन चला सकता है? मोदी चला सकता है। चला सकते हैं। संसद का चुनाव है देश में अभी दिल्ली में, और 12 मई को है, तीन पार्टियां मशक्कत कर रही है मूल रूप से, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आपका कौन सा? बीजेपी। फुल फुल। देश का पीएम कौन? एक ही सवाल। मोदी। हां, वजह? बहुत सारी वजह हैं। हां, एक वजह दीजिए। नोटबंदी कराई थी लोगों को, तो ये भी कहना है कि नोटबंदी से लोगों का नुकसान हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ। चेंजेस किसी को पसंद नहीं होते, पर चाहिए सबको, चाहिए सबको, किसी में हिम्मत तो वो चेंज कर सके जी। इन्होंने हिम्मत दिखाई, चेंजेस किए बहुत सारे, बाकी लोगों ने कोशिश तो की पर कोई कर नहीं पाया। डर लगता था लोगों को, ये भी कह रहे 70 साल देश को आजाद हो गए, कांग्रेस राज अच्छा कर रही थी, चेंजेस तो कुछ नहीं कर पाए ना। चेंजेस करना बहुत बड़ी बात होती है, हम सब चाहते हैं चेंजेस हो, पर करेगा कौन? सब एक दूसरे को बटालते रहते हैं। तो मेन हेड तो वही है ना, जो कोशिश करे कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे। सब एक दूसरे को बटालते रहते हैं, अब एक साथ तो सब बोलते हैं कुछ नहीं किया, एक साथ तो नहीं हो सकता ना कुछ भी, टाइम लगेगा, चेंज टाइम लेता है, जब भी चेंज हो पाता है। जो सही निर्णय ले पाते हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं, कुछ भी चेंज करेंगे उसमें टाइम लगता है। दिल्ली में भी चुनाव है 12 मई, संसद का चुनाव है, तीन पार्टियां मशक्कत कर रही है मूल रूप से, ये दिल्ली का नहीं पता, यूपी से। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल यूपी में तो कुल मिला के आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमारी पूरी फैमिली बीजेपी। नरेंद्र मोदी। एक ही सवाल, देश का पीएम कौन? नरेंद्र मोदी। वजह? वजह इसलिए क्योंकि यूपी में उसकी सरकार है, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, इटावा से, तो अभी मैं गांव गया था, बेसिकली मैंने देखा मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो यूपी में कहीं भी शौचालय नहीं थे। अच्छा। अभी मैं अभी रिसेंटली अपने गाँव के आया, तो मैंने सबसे पहले गांव में ये देखा कि हर घर में शौचालय बना हुआ है। अच्छा। और प्रॉपर बंदे उसमें जा भी रहे हैं, उसका यूज़ भी कर रहे हैं। हाँ। और भी निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब घरों तक सड़क वगैरह पहुंच रही है, बिजली भी आ रही है। अच्छा। तो मेन चक्कर तो ये मोदी ने, 70 साल हुए, अब से पहले ऐसी सुविधा नहीं थी? नहीं, ऐसी सुविधा नहीं थी, हर घर में शौचालय नहीं था यूपी में। अच्छा। लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी घर में चले जाओ, एक नहीं दो दो शौचालय बने हुए हैं मोदी जी के आने से। ये सब ये मोदी सरकार का, आपका स्कोर किसको? मोदी जी का, क्योंकि इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं भी जब भी गांव जाता था तो वॉशरूम में हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब से मोदी की सरकार है, हर घर में यूपी में, हर घर में आप चले जाओ, एक नहीं अभी दो दो शौचालय बने हुए हैं, ऑल फ्री में। आपका सपोर्ट मोदी? सर, देश का पीएम कौन? देखिए सर, सबसे पहले मैं पूरी देश की जनता को और श्रोताओं को भारत माता की जय कहना चाहूँगा। जहाँ तक देश का सवाल है, नो डाउट देश के अंदर काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छे तौर से कराए हैं जी। लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, यहाँ भी पढ़ा वाला हूँ जी, दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो सिर्फ केजरीवाल ने किए हैं। पिछले आज़ादी के 70 साल के बाद जो काम, जो ईमानदारी से, जो एक सरलता के साथ काम हुए हैं, वो सिर्फ हमने और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में ही देखे हैं। हाँ, सेंटर के अंदर काफ़ी ऐसे काम थे, लेकिन अगर हम आज की डेट में मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हमने काम कराए, तो हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप मुसलमान हो गए हो, तो ये कैसी सरकार है कि भैया कि किसी सरकार से अगर सवाल पूछो तो हमें ये मिलता है कि आप देशद्रोही हो, आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। अभी एमपी का चुनाव है दिल्ली में। हाँ जी। आपका सपोर्ट किसको? आम आदमी पार्टी को, हमारी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट रहेगा। उन्होंने काम करवाए हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बना दिए हैं, और यहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बना दिए हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का अस्पताल बन रहा है, और वहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्कूल से उनकी एक शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यहाँ से संसद में आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, जरूर बेनिफिट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, धन्यवाद। केजरीवाल जी ने पैसे बढ़ा दिए हमारे, और
केजरीवाल जी ने हमारे पैसे बढ़ा दिए, नुकसान हुआ फायदा हुआ? फायदा होगा, अब तो फायदा हो गया। तो सपोर्ट किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को। एमपी का चुनाव है अभी दिल्ली में, 12 मई को चुनाव होने जा रहा है, तो भाई साहब संसद का चुनाव है, तो आपका सपोर्ट किसको? अगर केजरीवाल जी खड़े होंगे तो केजरीवाल जी को ही देंगे हम। मोदी नाम बता दीजिए। बुधेव दीक्षित नाम है सर मेरा। दीक्षित जी, देश का पीएम कौन? पहला सवाल। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, कोई खास वजह? सर क्या खास वजह पूछ रहा हूँ, एक बता दीजिए। केजरीवाल सरकार ने जब बनी, स्टार्टिंग में केजरीवाल बना किसकी वजह से था? कि कांग्रेस सबसे वरिष्ठ पार्टी है, अब ये हाथ जोड़ रहा है कि भाई मैं कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन करा दो जी। तो कहाँ कहाँ है, कहाँ वो वाड्रा सबसे करप्ट आदमी था उसी के साथ जा रहा है, ये राहुल गांधी करप्ट है राहुल गांधी के साथ जा रहा है, सलमान खुर्शीद करप्ट था सलमान खुर्शीद के साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्टैंड है नरेंद्र मोदी, बीजेपी सर। अभी एमपी का चुनाव है 12 मई को दिल्ली में, तीन पार्टियां मुशक्कत कर रही हैं। आपने कहा नरेंद्र मोदी, सीधी सी सपोर्ट आपका नरेंद्र मोदी को जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट कोई भी हो? कैंडिडेट सर वो कैंडिडेट डिपेंड करेगा ना, अभी सर कैंडिडेट कोई गलती हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर भी सपोर्ट आपको? सर देखो, अगर हम सही मायने में देखें ना, ग्राउंड लेवल तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही, जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया अगर वो ग्राउंड लेवल पर आ रहा ना, पब्लिक को पता चल रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। तो देश के लिए अच्छा पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी मोदी, कमल का फूल खिलना चाहिए बस। मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी। पीएम कौन? मोदी। जब सब मोदी तो हम भी मोदी। अच्छा, सबकी वजह? वजह काम बढ़िया कर रहा है। एक काम बता दीजिए मोदी जी का। अरे वर्ल्ड में इंडिया अभी देखो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। अच्छा है, और क्या काम, इससे बढ़िया काम क्या होता है? अच्छा, देश का पीएम ऑलवेज नरेंद्र मोदी और कोई नहीं रहेगा। कोई वजह? क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह जी। 70 साल देश को आजाद हो गए, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। कांग्रेस से कोई अच्छे काम नहीं कर रहा है, एक तो गिनवा दो। नहीं नहीं, राहुल गांधी देश के अच्छे। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू वो कुछ नहीं कर सकता। पप्पू हो गया।